नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। यदि आप यूपीटेट 2019 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक आपको एक न्यूज़ ज़रूर मिल गई होगी कि यूपीटेट 2019 की परीक्षा सीटेट के तर्ज पर होने वाली है। सुबह एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को सूचित कर दिया था कि क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं यूपीटेट की परीक्षा में। दोस्तों, यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दे रहा हूँ। इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। उस वीडियो पर जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे वह यह कि क्या सीटेट की परीक्षा में जैसे 50% प्रश्न पैडागॉजी से सभी सेक्शंस में पूछे जाते हैं, क्या यूपीटेट 2019 की परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, आप स्क्रीन पर कमेंट्स के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों को देख पा रहे होंगे। इस वीडियो के साथ बने रहिएगा यदि आपके भी मन में ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यूपीटेट 2019 के लिए जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की जा रही थी तो उस समय पीएनपी के मुख्य सचिव श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते समय उन्होंने बताया था कि यूपीटेट की परीक्षा अब सीटेट के बेस पर होने जा रही है और सीटेट के पेपर सेट करने का जो पैटर्न होता है, विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही थी कि क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा सकते हैं यूपीटेट की परीक्षा में। अभी तक जो यूपीटेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते थे वह सीधे तौर पर पूछ लिए जाते थे, लेकिन जहां सीटेट की परीक्षा में प्रश्न होते हैं उनका जो लैंग्वेज होता है वो थोड़ा स्टैंडर्ड होता है। अब यूपीटेट में भी इसी को इम्प्लीमेंट करने की बात कही थी पीएनपी के मुख्य सचिव श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने। साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रमुख टेट इनवैलिड वाले मैटर पर सुनवाई करते हुए अपने फैसला सुनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि यदि कोई छात्र प्रथम सेमेस्टर या फिर द्वितीय सेमेस्टर में रहते हुए अगर टेट की परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर लेता है तो यह उसके टैलेंट को शो करता है। आपको चाहिए कि आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट परीक्षा के स्टैंडर्ड को बढ़ाइए। दोस्तों, उस केस में पीएनपी भी एक रिस्पोंडेंट थे तो उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेशित किया था कि आप यूपीटेट 2019 की परीक्षा के स्टैंडर्ड को और बढ़ाइए। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद से उम्मीदें बहुत ज़्यादा जताई जा रही हैं कि यूपीटेट 2019 के पेपर का लेवल पिछले वर्षों के यूपीटेट की परीक्षा के लेवल से हाई रहने वाला है। दोस्तों, ये तो तय है कि यूपीटेट 2019 की परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होंगे सीटेट के बेस पर, लेकिन जो आप लोग का प्रश्न था कि क्या 50% प्रश्न पैडागॉजी से सभी सेक्शन में पूछे जाएंगे, तो मैं आप लोग को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी अभी प्रावधान नहीं हुआ है। यूपीटेट 2019 की परीक्षा में पैडागॉजी से प्रश्न पूछे जरूर जाएंगे, लेकिन 50% प्रश्नों का वेटेज पैडागॉजी को अभी तक नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, आप लोग पैडागॉजी तैयार करिए, लेकिन सीटेट की तरह 50% प्रश्न पैडागॉजी के नहीं होने वाले हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।